इसके अंदर मेट्रो मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो है जरूर। तो फिलहाल इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देख लो भैया, बॉक्स हमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है। हमारे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी जी यहाँ पर मौजूद हैं। मेड इन इंडिया ही होगा आपका चाइना, दोनों सेम ही कंपनी है भाई, क्या है चाइना भेज रहे हैं आप? अच्छा प्लस देखिएगा सीन है ना, ठीक है क्या सीन? अरे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सेम कुछ ऐसा है यार कि मतलब मैं सवेरे सवेरे आ जाता हूँ थोड़ा यहाँ पर वॉक के लिए। मैं सोचा था कि व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर लूँ और मैंने अभी मतलब रनिंग करके आया हूँ। फिलहाल बस यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अब ज़्यादा देर यहाँ पर रहना भी सही नहीं, क्योंकि धूप भी निकल आई है पीछे से, ठीक है। किस तरीके की बात हो रही है, फिलहाल मैं घर पर आ रहा हूँ, फ्रेश होता हूँ जल्दी। उससे पहले क्या यार, हसन भाई ने मेरे को कहा था यार एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर करने के लिए, तो मैं ऑर्डर कर दिया था फायर बोल्ट का, तो अभी फिलहाल वो आ गया है। तो अभी फिलहाल जाते हैं लेने के लिए, लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद अनबॉक्स करके आपको डायरेक्टली दिखाते हैं। फिलहाल पार्सल मेरे को रिसीव हो चुका है, फिलहाल इसको यहाँ से कट करते हैं। है नहीं ना भड़बड़ के, पता नहीं। ये देखो ये रहा फायर बोल्ट का मेरा वॉच, ठीक है भैया। इसके अंदर मेट्रो मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो है जरूर। तो फिलहाल इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। देख लो भैया, बॉक्स हमें कुछ इस तरीके का मिल जाता है। हमारे यहाँ महेंद्र सिंह धोनी जी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके पीछे साइड में आप देख सकते हो स्लीप मॉनिटरिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट नोटिफिकेशन, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर, कैमरा कंट्रोल, 120 प्लस स्पॉट्स मोड्स, मतलब बहुत कुछ, समझ रहे हो। अभी फिलहाल इसको निकालते हैं बाहर। उलझा सिम, ये देखो भाई हमारा वॉच देखने को मिल गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल वॉच को रखते हैं साइड में, प्रेम पत्र वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड वगैरह इसको साइड में रखते हैं। और यहाँ पर हमें एक मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और देखो अगर कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं दिख रही होंगी, तो देखो मैं एक हाथ में फ़ोन लेकर के अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो तुम लोग इसके लिए माइंड मत करना, ठीक है। बस नॉर्मल जो चीज़ें देखने को मिल जाती है बस वही। और लास्ट में हमारा जो वॉच देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरीके का वॉच हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और जो कि काफ़ी सस्ते प्राइस में हमें देखने को मिल गया है। पहले इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, 2000 के तकरीबे में थी, अभी ये 1500 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। और मतलब इसका जो इन हैंड फील है काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रहा है यार मेरे को, ठीक है। और इस साइड में आप देख सकते हो क्राउन हैंड बटन है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि इसको चार्ज में लगा देता हूँ, देन उसके बाद मैं आपको आराम से दिखाऊंगा हसन भाई के सामने में, ठीक है। क्योंकि ये वॉच मेरी नहीं है, ये हसन भाई की, मेरी तो ऑलरेडी मतलब गरीबों की वॉच कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो भाई गरीबों वाली ऐसी वॉच होती है, समझ रहे हो ना। हसन भाई नीचे आकर के कॉल कर रहे थे, मैं मतलब पबजी खेल रहा था यार इसमें, ठीक है, मतलब समझ रहे हो। तो थोड़ा मोड़ा खेल लेता हूँ कभी कभी, तो कुछ इस तरीके की बात है। फिलहाल नीचे आ गए तो अभी लेकर के चलते हैं हसन भाई को, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेरे को सही लग रहा है। मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि यार मंगवा लेना चाहिए मेरे को भी। ऊपर से देख रहा हूँ तो दिख नहीं रहा मेरे को। ये देखिए आपका वॉच है, अभी खोलिए इसको, देखिए अनबॉक्सिंग करने के लिए आप बोले थे, अनबॉक्सिंग हो चुका है। ये जो खड़ी का था इसका अलग फील होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। नहीं अरे अरे आपकी चीज़ है, आप अरे नहीं, 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 नहीं। इसीलिए तो हम खास तौर से इसे रिव्यू नहीं किए। यस बस यही इसी फील को रखने के लिए हम आपको रखे थे दोबारा से। कुछ इस तरीके का इनका है, और मतलब इनका डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले। क्राउन को अगर घुमाते हैं आप तो ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके का फील आता है। घुमाई मेरे वैसे नहीं है, मेरे में खाली क्राउन दे दिया, बटन दे दिया। अब 1500 में मेरे को दिया आप, उस इसका दाम जो बहुत ज़्यादा था 2500 का आपका। एक दा फिट करके एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में, तब जा करके होगा दा फिट। हाँ DAFIT, उसको कनेक्ट करके देख लीजिए भाई। इसमें आपको बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे पहली बात तो कढ़ाई के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा जच रहा है, और इसके अंदर ये देखिए हार्ट रेट वगैरह मिल जाएगा। ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए होता है, समझ रहे, नहीं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। कैसा लगा? अच्छा प्लस देखिएगा सीन है ना, ठीक है क्या सीन? अरे भाई को मैंने वॉच जो है दे दिया है, और इन्होंने अपने हिसाब से देख लिया है क्या है क्या नहीं, और अभी भी कह रहे हैं कि फाइनल रिव्यू मैं नहीं दे पाऊंगा जब तक इसको अच्छे से मतलब टेस्ट नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि वाकई सही बात है कि नहीं हसन भाई? बिल्कुल। आप हंसते क्यों जी जब मेरे ब्लॉग में, अभी हंस रहे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का सीन है, और अभी फिलहाल इनको रुख्सत करते हैं, देन उसके बाद फिर मैं भी मतलब मेरे को भी जाना है अभी बाहर, देख लेते हैं क्या सीन, क्योंकि अभी फोन मेड इन इंडिया का है नहीं? हाँ भाई मेड इन इंडिया ही होगा, आप टेंशन मत, चाइना है, दोनों सेम ही कंपनी है भाई, क्या है चाइना भेज रहे हैं आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बात है, फिलहाल इनको रुख्सत करते हैं, देन उसके बाद फिर मेरे को भी और भी काम है। हाँ भाई बेशक, ज़रूर दुआ करेंगे आपके लिए कि आपका वॉच हमेशा चलता रहे, ठीक है, देख रहे हो लेकिन नहीं सर भाई? हाँ रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, समझ रहे हैं। अरे ज़ोर से बोलिए, आप क्या चाहिए? क्या बात है।
हसन भाई का जो भी वॉच वगैरह था मैंने उनको दे दिया है और वो मतलब खुशी खुशी यहाँ से चले गए और मतलब वो कह रहे हैं कि अभी इसको यूज करें कुछ दिन तक तभी इसका मतलब फुल रिव्यू दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है भाई आप कर दो। मेरे को थोड़ा पटना जाना था बट सोच रहा हूँ थोड़ा क्यों जाऊंगा पूरा ही चला जाऊंगा। ठीक है जो का पार्ट देखता हूँ जैसा सिचुएशन होता है उस हिसाब से काम करते हैं। पहले वो जो छोटा मोटा जो काम है मतलब थोड़ा मोटा एडिटिंग वगैरह करना है और भी थोड़ा मोटा काम है तो फिलहाल बस वो कर लेते हैं देन उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। जो भी मेरा थोड़ा मोटा काम था वो भाई मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया है और अभी फिलहाल मैं पटना के लिए निकल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मेरे को काम हो गया तो अभी फिलहाल मैं रेडी हो गया हूँ और निकल जाता हूँ। और क्योंकि जाना भी है सैफ के साथ तो सैफ भी भाई टाइम का पाबंद आदमी उसको बोल दिया 5 मिनट तो ओनली 5 मिनट उससे ज्यादा लेट करेंगे तो फिर नाराज हो जाएगा। गाइज पटना में तो आ चुके थे। यहाँ पर बेसिकली मेरे को जो काम था यार वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेना था और जो है यहाँ पर कुछ क्लासेस वगैरह करनी थी और भी थोड़े मोड़े काम थे जो अधूरा रह गया उसको अगले दिन आकर के पूरा करना है। और जब फिर मैं ये सारा काम करके जब मैं बाहर निकला तो पाकरगंज के रास्ते होते हुए मैं जा रहा था तो जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा मन कर गया यार कि अपने फ़ोन के अंदर क्योंकि मेरा जो फ़ोन का पीछे जो स्टिकर था वो जो है उखड़ रहा था जिसकी वजह से मैं सोचा यार कि अब इसको उखाड़ करके दूसरा लगा दूँ। यू नो मतलब सबके अंदर ऐसी ख्वाहिश होती है तो अभी फिलहाल बस वही करवा रहा हूँ और करवाने के बाद मतलब इसका जो लुक आ रहा है मेरे फोन का काफी ज्यादा सही लग रहा है तो ये थोड़ा मोड़ा मतलब कर दिया और भी यहाँ से कुछ कुछ सामान वगैरह ले लिए तो मतलब चलो ठीक है होता है। तो बस अभी फिलहाल ये सारा काम करवा करके अपने घर की तरफ जल्दी से निकलेंगे। तो गाइस फिलहाल मैं घर पर आ रहा हूँ यार और पटना में तो कुछ मेरे को काम था ही और उसी के साथ साथ मैं सोचा यार कि अपने फोन का कुछ मतलब अब जाता हूँ उधर तो थोड़ा ऐसा लगता है। अभी फिलहाल मैंने इसमें जो भी ट्रांसपेरेंट स्टिकर लगाया है तो मतलब चलना चाहिए तो ये सब आते जाते रहते हैं यार बट कोई नहीं हमारी वीडियो हमेशा आती रहेगी। ठीक है ना तो बस आपको वीडियो अच्छा लगना चाहिए। आई होप कि आज का जो मेरा ब्लॉग था आपको पसंद आया होगा। गाइस कुछ इस तरीके का मामला रहा आज हमारा जिसे कपड़े उपड़े बदलते हैं फिर एडिटिंग करेंगे और एडिटिंग करने के बाद फिर तभी तो फिर वीडियो देख पाओगे क्योंकि वैसे भी मतलब मैंने अभी इधर वीडियो अपलोड करना थोड़ा इधर डिले कर दिया था जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत वाली बात होगी व्यूज गिर रहे हैं यार तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मेरे सेम ब्लॉग के साथ।